हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटोर नदीम अख्तर आज मैं हाजिर हूँ एडोफोटो शॉप के एक बहुत अहम टॉपिक के साथ लेयर मास्क आज हम लेयर मास्क को स्टडी करेंगे पढ़ेंगे सीखेंगे कि इसका काम क्या होता है और इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क में चलिए बिना तो आखिर किए स्टार्ट करते हैं एडोफोटो शॉप का लेक्चर लेयर मास्क स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप का लेक्चर नंबर फोर्टीन लेयर मास्क लेयर मास्क को समझने के लिए सीखने के लिए चलते हैं इमेज की तरफ इमेज हम खोलेंगे यहाँ पर कोई सब इमेज को ओपन कर लेते हैं जैसे कि ये इमेज हमारे सामने आ गया लेयर मास्क होता क्या है इस चीज़ को समझने के लिए एक चीज बताता चलूँ कि अगर मुझे इस इमेज में से कोई हिस्सा डिलीट करना है या इरेज करना है तो क्या करूंगा सबसे पहले ये बैकग्राउंड को ख़त्म करते हैं डबल क्लिक किया ओके किया तो ये क्या हो गया पीछे ट्रांसपेरेंट लेयर आ गई ठीक है अब मैं इरेजर टू लेता हूं अब इरेजर से अगर कोई चीज इरेज करते हैं सपोज के मैंने ये इरेज कर दिया हमने कौन सा ब्रश लिया भाई सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ इसको अगर मैं हार्ड ब्रश करना है तो क्या करेंगे इसको इस तरह से हम हार्ड ब्रश ले सकते हैं अगर मुझे सपोज के ये हिस्सा मैंने इसको इरेज कर दिया इसके साइड्स मैंने सारी इरेज कर दी अब इरेजर का मतलब क्या होता है ये परमानेंट हमारे पास से ये डिलीट हो गया यानी इरेज हो गया यानी कि मिट गया अगर इसको मैं सेव करता हूँ ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास जो पिक्चर आएगी वो इसी सूरत में आएगी सब कुछ यहाँ से इरेज हुआ हुआ मिलेगा लेकिन लेयर मास्क में ये चीज़ नहीं होती अब लेयर मास्क की तरफ चलते हैं लेयर मास्क में क्या होता है कि अगर मैंने इसको लेयर मास्क किया है इस पर मैंने मास्किंग लगाई तो अब मास्किंग कहाँ से लगेगी आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे बॉटम पे एक स्क्वायर के अंदर एक सर्किल टाइप का आइकॉन बना हुआ है ये क्या है लेयर मास्क एड लेयर मास्क को मैं जिस क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे देखेंगे वाइट कलर की विंडो आ जाएगी इसको आइकन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे जाके पैनल ऑप्शंस पैनल ऑप्शन में जाके इसको हम फुल बड़ा कर देते हैं ठीक है ऐसे अब यहाँ पर आपको विंडो नज़र आ रही होगी एक वाइट और ये क्या है हमारे पास जो इमेज हमें नज़र आ रहा है और ये आ गई विंडो मीन्स ये एक हमारे पास लेयर मास्क है अब लेयर मास्क को अप्लाई कैसे करना है अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिफ़ॉल्ट कलर हैं ब्लैक एंड वाइट अब अगर हम ब्लैक लेते हैं क्या करेंगे ब्रश टूल लेंगे लेयर मास्क अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होगा ब्रश और हमें लेयर मास्क अप्लाई करने के लिए ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे ब्लैक एक्टिव होना ज़रूरी है अगर इसको हम अगर इसको हम फ्लिप करते हैं तो वाइट ऊपर आ जाएगा या इसको हम एक्स के ज़रिए भी अप एंड डाउन कर सकते हैं हमारे पास क्या एक्टिव होना चाहिए फिलहाल ब्लैक कलर अब ब्लैक कलर मैंने क्या किया हुआ एक्टिव लेयर मास्क किया हुआ ये अगर मैं इसको वैसे ही इरेज करता हूँ जैसे हमने पहले इरेजर से किया था मैंने क्या किया इसको ऐसे किया ये क्या हो रहा है मास्क के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ देखिए जहाँ जहाँ मैं इस ब्रश को अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक हो रहा है ब्लैक का मतलब ये कि इरेज ही हिस्सा हमारे पास इरेज हो रहा है सपोज़ मैंने एक क्लिक कर दिया सेंटर में ये देख रहे हैं आप सेंटर में एक ब्लैक डॉट आ गया मतलब ये हिस्सा हमारे पास इरेज हो गया हमें लेयर मास्क से फ़ायदा क्या हुआ हमें इसको बेनिफिट क्या मिला हमें वो ये मिला कि अगर उसको मैं वाइट को ऊपर ले आऊँ अब ये हमारे पास क्या हो गया ब्रश आ गया और जहाँ जहाँ ब्रश मैं फेरूँगा वो जो हमने इरेज किया हुआ था वो वापस आना शुरू हो जाएगा यहाँ पर मैंने ब्रश मारा वापस आ गया तो अब यहाँ देख रहे हैं आप जो ब्लैक था वो हिस्सा वाइट हो गया लेयर मास्क से क्या फ़ायदा हुआ कि जो चीज़ हमने डिलीट कर दी थी या जो चीज़ हमने मिटा दी थी वो वापस आ गई विद दी हेल्प ऑफ लेयर मास्क अगर मैं इसको एक बड़ा सर्कल इसको बड़ा कर लेता हूँ ठीक है अगर मैं इसको वापस ब्लैक लेके आता हूँ और जस्ट एक क्लिक करता हूँ सी यहाँ पे क्या हो गया शो हो गया कि ये यह, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिए लेयर मास्क ये हमने सर डिलीट कर दिया लेयर मास्क को दूसरे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं कि मैं कोई भी सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ यानी कि मैं लेसर टूल ले सकता हूँ पॉलीकॉन लेसर टू ले सकता हूँ चले लेसर टूल लेते हैं लेसर टूल लेने के बाद मैंने यहाँ से एक इेगुलर सिलेक्शन ले ली इस तरह से थोड़ा सेंटर में रख के ये मैंने ली सिलेक्शन इर सिलेक्शन ले ली, ले ली मैंने अब सिलेक्शन लेने के बाद अगेन मैं क्या करूँगा उस मास्क पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा जो हिस्सा सेलेक्ट किया हुआ था जो मुझे चाहिए था वो मेरे सामने आ गया और बाकी सारा का सारा डिलीट हो गया ये टेम्प्रेरी डिलीट हुआ ये परमानेंट डिलीट नहीं हुआ क्योंकि मास्किंग कर रहे हैं अगर यही काम मैं इरेजर से करता तो क्या होता वो परमानेंट डिलीट हो जाता अभी मैं क्या कर सकता हूँ अब ये देखें अगर ये मास्क आप देख रहे होंगे एक्टिव है तो यहाँ मूव कर सकता हूँ यहाँ रखना है यहाँ रखना है यहाँ रखना है जहाँ भी रखना है मूव कर सकते हैं अच्छा एक चीज़ और कि अगर मुझे कुछ हिस्सा वापस लेके आना हो क्या करेंगे ब्रश टू लेंगे और जैसा कि बता आपको बताया था वाइट ऊपर होना चाहिए तो क्या करेंगे यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें वापस लेके आनी थी मुझे ऐसा करना है कि मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है मुझे ये रेगुलर सिलेक्शन को थोड़ा सा इस तरह से इस तरह से बड़ा करना है तो मैं क्या करूँगा वाइट की हेल्प से यहाँ से और बड़ी सिलेक्शन ले सकता हूँ अगर मुझे कुछ इरेज करना है ब्लैक ऊपर आ गया अब मैं क्या करूँगा इस तरह से जो चीज़ नहीं चाहिए उसको मैं इरेज कर सकता हूँ इन दोनों के बीच में आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा सॉर्ट ऑफ चेन अगर इस चेन को मैं क्लिक करूँ तो क्या हो गया ये दोनों चेन बीच में से हट गई इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस वक्त कहाँ पे मैं मास्क पे हूँ अगर मैं मास्क पे हूँ तो जहाँ मूव करूँगा मास्क ये मास्क वहाँ पर जाएगा अगर मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ मूव कर सकता हूँ इमेज को अंदर से इमेज को मूव कर सकता अगेन लिंक कर दूंगा तो दोनों क्या होंगे एक साथ मास्क और इमेज मूव होंगे एक बात और बहुत अहम याद रखिएगा कि मास्क अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने यह मास्क लगा दिया ब्लैक एंड वाइट दो कलर के अलावा कोई भी तीसरा कलर हम यूज़ नहीं कर सकते अगर मैं रेड अप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा ये ग्रे हो जाएगा अगर मैं इसको ब्लू यूज़ करना चाहता हूँ तो डार्क ग्रे हो जाएगा अगर मैं इसको येलो यूज़ करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा ये लाइट ग्रे हो जाएगा तो ये ग्रे के टोन्स ही अप्लाई होते हैं मास्क पे अब मैं आपको बहुत अहम चीज़ बताने लगा हूँ अगर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ इस पूरे इमेज के ऊपर देखिए मैंने क्या किया ग्रेडियंट कौन सा वाला है ये वाला है ठीक है लेफ्ट टू राइट करेंगे अब ये देख रहे हैं अब जहाँ जहाँ वाइट आ रहा था वहाँ मिट गया जहाँ ग्रे आ रहा था उसने लाइट कर दिया इसको और समझने के लिए काम करते हैं इस लेयर को ऊपर ले लेते हैं इस लेयर में कोई सा भी हम कलर अप्लाई कर लेते हैं जैसे कि मैंने राइट अप्लाई किया और बैक स्पेस सी कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर ब्लेंडिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये ऊपर इमेज है जिसके ऊपर मास्क लगा हुआ है और नीचे क्या लगा हुआ है ये इस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई हुआ हुआ है सेकंड दिया हुआ है रेडियल ठीक है अगर मैं रेडियल ग्रेडियंट को अप्लाई करता हूँ सी अगर मैं इसको रिवर्स यहाँ से रिवर्स करता हूँ तो क्या होगा डार्क सा लाइट या इसको अगर मैं रिवर्स करता हूँ वाइट से ब्लैक तो क्या करेंगे इस तरह से सी कितनी ज़बरदस्त ब्लेंडिंग दे रहा है इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन रिफ्लेक्टेड यूज़ करते हैं तो क्या होता है सी तो ये नीचे क्या है ये हमने रेड कलर दिया हुआ था लेयर मास्क से रिलेटेड एक असाइनमेंट्स आपको करके बताता हूँ जैसा कि आपको पता है कि जब तक असाइनमेंट ना मैं कराऊँ तो कुछ मज़ा नहीं आता एक क्विक असाइनमेंट कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से लेयर मास्क काम करता है हम क्या, क्या क्या काम कर सकते हैं असाइनमेंट का बेसिकली देखिए पर्पज़ मेरी नज़दीक ये होता है कि जब मैं असाइनमेंट कोई करवा रहा होता हूँ इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं वो रिपीट हो जाते हैं तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि हमें अगर किसी टूल्स के बारे में थोड़ा सा याद ना रह रहा हो थोड़ा सा अगर हमने हम भूल जाएं तो वो भी इजीली रिपीट हो जाते हैं हमारे पास चलें ये कुछ मैंने इमेजेस निकाले हुए एक टॉय दिया हुआ है एक परफ्यूम का काम का नहीं है फिलहाल ये आपके प्रैक्टिस के लिए रखी हुई मैंने एक बॉक्स है अच्छा इसको हमें करना क्या है अभी देखते हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक ही लेयर पे दो पिक्चर्स दी हुई हैं एक फ्रंट है और एक इसका साइड है सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों को हम अलग कर लेंगे अलग लेयर्स पे क्या करेंगे हम रेक्टेंगल मार्केट लिया और यहाँ पे फैदर ज़ीरो होना जरूरी है आ, मैंने क्या किया इसको बिल्कुल एज टू एज सेलेक्ट करेंगे मैंने यहाँ पर सिलेक्शन ली और मुझे इसको अगर अलग करने क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जे ठीक है ये क्या हो गया हमारे बस अलग लेयर पे आ गया अब चलेंगे वापस उस लेयर पे और इसको भी क्या करेंगे यहाँ से बस ये कोशिश करिएगा कि वाइट बैकग्राउंड ना आ जाए जरा सा भी मसला हो जाएगा वरना कंट्रोल शिफ्ट जे इस पर मैं काम कर देता हूँ फ़िलहाल ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास कन्फर्म हो जाए कि वाइट कलर हमारे पास नहीं आया अच्छा आप क्या करेंगे जी इन दोनों को कंट्रोल टी से मुझने क्या किया रिसाइज कर दिया छोटा कर दिया अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म और मैं क्या करूँगा इसको इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ़ किया कंट्रोल प्रेस करके इसको नीचे किया और उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया और उसको मज़ीद थोड़ा सा अंदर की तरफ ले गया मैंने इसको इसके साथ बिल्कुल ओके okay. अब मैं क्या करूँगा कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म किया और इसको मैंने अंदर की तरफ छोटा किया कंट्रोल प्रेस करके इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे यस ऐसे ताकि हमारे पास थ्री लुक आ जाए इस इमेज का अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म किया एक इमेज को एक इसको सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे कंट्रोल प्रेस करके इस और शिफ्ट के साथ शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो ये ऐसे ऐसे हो सकता है कंट्रोल एंड शिफ्ट के साथ क्या करेंगे जरा सा इसको नीचे की तरफ़ लेके जाएंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और इसको मज़ीद थोड़ा सा अंदर कर देते हैं ऐसे एंटर किया अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे रखा मेक श्योर sure कि बिल्कुल ये साथ होना चाहिए यस yes. और नीचे से भी करेंगे कंट्रोल टी थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको क्या करेंगे इसको लेके जाएंगे अंदर की तरफ कंट्रोल प्रेस करके इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, और इसको क्या करेंगे ऊपर की तरफ लेके आएंगे, और ज़रा सा और नीचे इसको ऐसे कर देते हैं कंट्रोल टी से क्या करेंगे दोनों को एक साथ क्या करेंगे छिप से बड़ा कर देंगे ज़रा सा ये देखें हमारा बन गया थ्री डी बॉक्स अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है इन दोनों को अलग अलग सेलेक्ट करेंगे इसको क्या किया कंट्रोल जे से कॉपी ली मैंने इस वाले की ठीक है कंट्रोल टी किया राइट क्लिक किया और फ्लिप वर्टिकल कर दिया वर्टिकल करने के बाद क्या करेंगे इसको इस तरह से नीचे ले जाएंगे अब नीचे ले जाकर आप देखिएगा कि कंट्रोल प्रेस करके इस वाले को सेंटर वाले को देख रहे हैं यहाँ पर सेंटर वाले को क्या करेंगे शिफ्ट शिफ्ट के साथ ऊपर लेके जाएंगे और इसको यहाँ से जोड़ देंगे इस वाले को क्या करेंगे कंट्रोल जे से कॉपी किया कॉपी करने के बाद कंट्रोल टी कंट्रोल डी के बाद राइट क्लिक राइट क्लिक करने के बाद क्या कर वर्टिकल और इसको ले जाएंगे शिफ्ट के साथ देखेंगे शिफ्ट प्रेस कर करिएगा लाजमी वरना ये इधर उधर भाग सकता है कंट्रोल प्रेस करेंगे सेंटर वाले को लेके हमने और शिफ्ट के साथ बिल्कुल साथ जोड़ दिया अब हमें क्या करना है आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ कि ये पीछे जो इतना हिस्सा आ रहा है सही हाफ से ज़्यादा इसको नीचे लेयर पे जाके इसको मैं फिलहाल कोई सा भी कलर कर देता हूँ कोई और ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग अब मुझे ये एक किस्म का ये समझे गिलास है ये हिस्सा और ये हिस्सा दो जो रिफ्लेक्ट हुए हैं इनको मैंने क्या करना है यहाँ पर क्लिक किया एक को करने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पर लेयर मास्क लगा दिया ग्रेडिट में जाएंगे और इस हिस्से पे मैंने क्या किया अप से डाउन मास लगा दिया बहुत बड़ा हो रहा है थोड़ा सा इसको छोटा करने वजह यस क्या करेंगे इस पर मैं इस पर मास लगाएंगे यहाँ से मैंने क्या लिया ग्रेडियंट टू लिया और मैंने ये इस हिस्से पे मैंने शिफ्ट के साथ मास लगा दिए यहाँ तक रखेंगे सी अब क्या करेंगे अब ये इस हिस्से पे जाएंगे ठीक है या मास्क लगाया मैंने अगेन ग्रेडियंट में गए और उतना ही हिस्सा सेलेक्ट करेंगे सी थोड़ी सी की डाउन कर देंगे तकरीबन 50% परसेंट और इसकी भी क्या करेंगे तकरीबन 50% परसेंट के आसपास पास ओपेसिटी कर देंगे अब ये देखें अब आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त यहाँ से ब्लेंडिंग की इसने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसने ब्लेंड किया अब हमने टॉय लिया हुआ था इस टॉय को ऑलरेडी ये पी फॉर्म में इसको ले जाएंगे बॉक्स यहाँ जाके इसको रख देंगे कंट्रोल टी थोड़ा सा इसको बड़ा किया टॉय को यहाँ पे रखा इसको यहाँ पे रखते हैं और इसके साथ भी वही करेंगे कंट्रोल जे कंट्रोल टी वर्टिकल रिफ्लेक्ट किया इसको हमने यहाँ पे रखा अप्लाई मास्क करेंगे मास्क लगाने के बाद वही चीज ग्रेडियंट में गए और यहाँ से थोड़ा सा इसको मास्क से अप्लाई कर दिया और इसकी भी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देंगे ताकि इतना शार्पनेस ना आए इसके ऊपर जल्दी से इसके अंदर लास्ट मॉडिफिकेशन कर लेते हैं एक ओपन करेंगे एक इमेज ले, ले लेते हैं किचिन क्या किया कंट्रोल ए कंट्रोल सी हम वापस गए बॉक्स में क्या करेंगे जो वाइड हिस्सा लिया था हमने ये वाला ये सिलेक्ट कैसे करेंगे मैजिक मेजिकमेंट से सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल और शिफ्ट वी क्या होगा ये पेस्ट इन सिलेक्शन हमने सिलेक्शन की थी इसके अंदर पेस्ट कर लिया जैसा भी हो इमेज रख देंगे ताकि जैसा भी रख सकते है. ठीक है जी तो आपने देखा होगा कि इस छोटे से असाइनमेंट में हमने क्या कुछ यूज़ किया इसके अंदर हमने लेयर मास्क को भी प्रैक्टिस में लेकर आ गए इसके अंदर मैं ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर ली आई होप आपको लेयर मास्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्लियर हो गया होगा मैंने तमाम इमेजेस नीचे लिंक में दिए हुए हैं जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ दिखा दूँ जैसे एक ग्लास जूस के नाम से इसको आपने क्या करना है इसको पेन टूल से आपने कट करना है इसको रिफ्लेक्शन जैसे मैंने दी है वैसे ही रिफ्लेक्ट करके आप देखिएगा और लेयर मास्क अप्लाई करिएगा कि किस तरह से आप इसको प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं चलो मुझे अब इजाज़त दीजिए मिलते हैं डॉप फोटोशॉप शॉप के लेक्चर नंबर फिफ्टीन के साथ एक नए लेक्चर एक नई लर्निंग के साथ जाते जाते आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट मेरी इस वीडियो को लाइक करें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज को शेयर करें थैंक यू सो मच गुड बाय